हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सी फॉर एल यानी क्रेजी फॉर लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज एचएसएससी की क्लर्क की जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके बारे में। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप एक कंफर्म करके उसका अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपना ऑब्जेक्शन कैसे रेज कर सकते हैं, और अभी तक आपने आंसर की नहीं देखी है तो कहाँ से जाकर आप आंसर की देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट खोलनी है क्रोम ब्राउज़र में, hssc.gov.in। तो इसमें देखो, ये सबसे ऊपर ही ऑब्जेक्शन के लिए दिया गया है, रेड कलर में ऑब्जेक्शन के लिए दिया गया है। तो इस पर यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप यहाँ से आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक आंसर की नहीं देखी है तो आंसर की आप यहाँ से देखिए। ये देखिए, पब्लिक नोटिस में जाइए, इसके पब्लिक नोटिस में आपको सबसे ऊपर ही नोटिस मिलेंगे। देखिए, ये आंसर की के ऑप्शन, काफ़ी आंसर की के ऑप्शन आ गए हैं इसमें। ये देखिए, 23 की मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, जो भी आपकी शिफ्ट थी वो आप पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए इसको। ये पीडीएफ का निशान दिया गया है इधर, ये जो भी शिफ्ट है आपको वो डाउनलोड कर लेनी है। और जैसे मैं डाउनलोड कर ली 21 तारीख वाली, और ये ओपन हो गई। इससे आप अपने जो भी सेट है उससे मैच कर लीजिए, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, वो मान लीजिए मेरा सी सेट था, 21 तारीख को इवनिंग का एग्ज़ाम था, तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे डाउट है और बुक में ये दिया गया है और अभी एचएसएससी ने रॉन्ग आंसर दिया है, तो आप इसको ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं इसके ऊपर, और बता सकते हैं आप कैसे कैसे आपको ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। तो वापस इसमें आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन पर। तो ये निर्देश दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, तो कृपया अपनी प्रमाणित जानकारी भरें, जो भी आपको प्रमाण के साथ जानकारी भरनी होगी। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है तो, या आप किसी बुक का हवाला देंगे तभी आपके ये बात मानी जाएगी। जैसे ही प्रोसीड करेंगे, इसको प्रोसीड कर दिया, ये देखिए, ये विंडो खुल के आ गई, HSSC ऑब्जेक्शन मॉनिटरिंग ऐप। तो इस पर आप अपना नाम डालिए इधर, ये नाम डाल दिए, रोल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और एडवर्टाइजमेंट नंबर इसमें एक ही आएगा 5/19, और कैटेगरी एक ही आएगी, एक, और नेम ऑफ द पोस्ट आएगा क्लर्क में। तो आप डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड सेशन सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे 21 तारीख सेलेक्ट कर लिया मैंने, इवनिंग में था 21 तारीख को, और बुकलेट अपनी सेलेक्ट कर लीजिए। आगे जैसे ही सबमिट करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर दिखाई दे जाएंगे, आपको किस कौन से क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर गलत लग रहा है उसको आप सबमिट कर सकते हैं, और बुक का हवाला देकर उसमें एक स्क्रीनशॉट लेकर और बुक की फ़ोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी, तब आपका ऑब्जेक्शन रेज हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, HSSC ने काफ़ी जल्दी की है आंसर की में, और जैसा कि आपको पता है 21, 22, 23 सितंबर को ही पेपर हुए थे, और आज 11 तारीख को आंसर की आ गई है। तो हो सकता है रिजल्ट भी इलेक्शन से पहले डिक्लेयर कर दे। तो जल्दी से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे रेड कलर का बटन दिया गया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो वीडियो में, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।